नमस्कार, आप देख रहे हो कार 24/7। मैं आपको बता दूं, हमारे देश में तीन तलाक को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, इस सरकार ने तीन तलाक के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ा। कुछ मुस्लिम महिलाओं के सामने आने की बात की गई और तीन तलाक पर जो है एक रिट याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक के खिलाफ एक फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि केंद्र की सरकार जो है तीन तलाक के खिलाफ एक कानून बनाए। तीन तलाक को लेकर के मुस्लिम महिलाओं में जो बातें की गई उसमें मिला जुला असर सामने देखने को मिला। कुछ महिलाओं ने कहा कि इस तीन तलाक से हमें काफी परेशानी है, तरह तरह के कष्ट, तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसमें से कुछ मुस्लिम ख्वातीनें सामने भी आईं और उन्होंने इस केस को जो है लड़ा, और जिस दिन ये फैसला आया उस दिन ये कहा गया कि ये मुस्लिम महिलाओं की बहुत बड़ी जीत है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक जलसे का आयोजन किया गया। एक बड़ी जनसभा की गई जिसमें लखनऊ शहर की काफी तादाद में महिलाएं और वहां के लोग शामिल हुए और तीन तलाक के समर्थन में वहां बात की गई। जी हाँ, तीन तलाक के खिलाफ नहीं, तीन तलाक के समर्थन में वहां जो मजमा लगा, जो महफिल लगी, उस महफिल में एक सुर में यह आवाज बुलंद की गई कि हमें हमारे शरीयत में किसी भी तरह की मुखालफत बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो मामला तीन तलाक कहीं क्यों नहीं हो। जी हाँ, केंद्र सरकार के लिए सीधी चुनौती वाली बात की गई कि केंद्र सरकार जो कुछ कर रही है वो देश की भलाई के लिए करे, देश की भलाई के लिए, देश के विकास के लिए केंद्र को सोचना चाहिए, तीन तलाक के लिए नहीं। जी हाँ, तीन तलाक इस्लामिक शरीयत का मामला है और वहां की महिलाओं और वहां के पुरुषों का कहना था कि तीन तलाक पर जो कुछ होगा हमारे इस्लामिक शरीयत के अनुसार जो नियम, जो कायदे, जो कानून है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, न कि सरकार को इस पचड़े में पड़ना चाहिए। ये हमारा निजी मामला है और इसे हम अपने ढंग से निपटाएंगे। ये आपको बता दें कि हमारे लखनऊ के हुंकार 24/7 की टीम जो है इस पूरी महफिल, इस पूरे मजलिस, इस पूरे जलसे में जो कुछ हुआ उसकी पूरी पूरी कवरेज की, वहां मौजूद तमाम महिलाओं से, तमाम पुरुषों से बातचीत की और जो कुछ बातचीत हुई आइए आपको दिखलाते हैं। बहन, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम किंजा कासिम है। आप लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए, क्या चाहती है सरकार से? हम लोग अगेंस्ट से अगेंस्ट है, हमको नहीं चाहिए कोई चेंजेस हमारे शरीयत में। सरकार चाहे बोल रही है, जो गवर्नमेंट हमसे बोल रही है कि जो तीन तलाक है, जो बिल पास होगा ये मुस्लिम खवातीन के हक में होगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इससे मुस्लिम औरतों को फायदा होगा बोल रहे हैं? हमें पोस्टर ऊपर पोस्टर ऊपर पोस्टर, अगर उनको कोई हेल्प करनी भी हमारी, तो ऐसे बहुत से गरीब औरतें हैं तो उनकी हेल्प करें ना, उनको मदद करनी है तो फिर और भी गरीब हैं उनकी मदद करें। अगर उनको औरतों की मदद करनी है तो कितनी औरतें हैं, कितनी लड़कियों की सेफ्टी के लिए मदद करें ना, कि लड़कियां रात में निकल नहीं सकती, लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, तो उनकी सेफ्टी के लिए करें ना मदद को। जी, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो खातिन है वो चाहती हैं कि हमारे इस्लाम में कोई भी मुखालफत नहीं बर्दाश्त होगी, जैसा जो इस्लाम का कानून है, जो शरीयत में उससे हुए खुश है, और ये चाहती है अगर जो सरकार वाकई में फिक्रमंद है मुस्लिम औरतों के लिए तो उनके उनकी आगे बढ़ने का रास्ता निकाले, उनकी हेल्प करे और की रातों को निकल सके या उनको नौकरी दे, इस तरह की हेल्प करे, ना कि वो चाहती हैं कि इस्लाम में मुखालफत यानी कि कोई भी इंटरफेयर हो। हम अपनी शरीयत पर मुकम्मल तौर पर अमल करना चाहते हैं और हम अपनी शरीयत पर हरगिज मुदाखलत नहीं चाहते हैं। हमें हमारी शरीयत पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की पूरी पूरी इजाज़त दी जाए। जी, मैं आप कुछ कहना चाहते हैं? यही कि बस मुदाखलत बर्दाश्त। बहुत मेरा नाम साइमा यूनुस है और हम अपनी शरीयत में बिल्कुल भी मुदाखलत नहीं चाहते। अगर रही रही आज़ादी की बात, तो आज़ादी हमें पहले ही मिल चुकी है, अभी हुकूमत हमें क्या आज़ादी है। जी, इस वजह से हमें चाहिए, हमें अपनी शरीयत में मुदाखलत बिल्कुल हरगिज़ पसंद नहीं है, क्योंकि हमारे जो भी दीन के इस्लाम में जो रूल्स बने उसके खिलाफ मोदी जी जाएँ, बिल्कुल भी ना जाएँ। हमारे दीन में जो चीज़ है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, हम अपने हिसाब से उसको बिल्कुल तब्दीलियाँ नहीं चाहते, किसी तरह की कुछ भी तब्दीली। बराए मेहरबानी की वो देश को देखें और देश की चीज़ों को देखें, ना कि वो ये तलाक के पीछे पड़े, ठीक है ना? लेकिन बहन,
सरकार ये कह रही है कि जो तीन तलाक बिल हम जो दे रहे हैं इसमें मुस्लिम खातिन मुस्लिम औरतों की इसमें भला इसके बारे में क्या कहें? वो मुस्लिम जो खातिन है वो सामने आकर क्यों नहीं बोलती है? मुस्लिम नकाब पहनने से क्या मुस्लिम हो जाता है इंसान? अगर नकाब लगा लिया, नकाब लगाने के बाद क्या वो मुस्लिम हो गया? वो विदाउट नकाब आके बोले, मैंने तो ऐसे ऐसे वीडियो देखे हैं जो आरएसएस से मिली हुई है, तो क्या वो मुस्लिम से है? जो खिलाफ बोल रही है, एक जगह वो पूजा कर रही है और एक जगह मुझे आकर मुस्लिम के खिलाफ बोल रही है कि तीन तलाक मुझे नहीं चाहिए, तो ये बताइए कि वो मुस्लिम से आभा पहन के ना बोले, विदाउट नकाब आके बोले मुझे? और जिनके साथ ये चीज की गई है वो आए सामने, वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आती? हम सेंट्रल बोर्ड के सामने क्यों नहीं जाती? मुस्लिम बोर्ड के सामने क्यों नहीं जाती? वो सारी चीजें जाके नरेंद्र जी और मोदी जी और योगी जी को क्यों बताती हूँ? सिर्फ और हम लोग जनता दरबार में जाते हैं, हमारा तो सामना भी नहीं होता उनसे, क्योंकि पहले उनकी सेक्रेटरी से मिली है, उसके बाद उनके सारी चीजों को पहले सेटअप करिए, उसके बाद कहीं जाके योगी जी दिखे, वो मुझे दिखते नहीं अभी तक, तो मुझे वो टीवी में दिखे, मुझे प्रेस में तो मुझे नहीं दिखा। ठीक है कि कोई भी तब्दीली नहीं चाहिए, हम जैसे हैं वैसे रहना चाहते हैं। योगी जी सिर्फ और मोदी जी ये काम करें कि वो देश को देखें, देश की तरक्की के बारे में सोचे, ना कि वो तीन तलाक के लिए सोचे, और इस बिल को बिल्कुल भी निरस्त करें। मोदी सरकार ये कह रही है कि जो मुस्लिम खवातीन है उसके हक में ये फैसला है, अब क्या करें? जैसा कि आप देख रहे हैं सारी जो यहाँ पे खवातीन मौजूद है ये चाहती है कि शरीयत में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी को कोई हक नहीं बनता जो हमारी शरीयत को बदले। हमारी शरीयत में कोई बात आती है तो हम औरतें जान लेना भी जानते हैं और जान देना भी जानते हैं। नारे हमारे इस्लाम के कानून के बीच में अगर जो कोई भी सरकार कोई भी आए तो हम जान लेना भी जानते हैं और जान देना भी जानते हैं। इसलिए मोदी सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये फिर चिंगा रही है जो आज खड़ी हुई है, सिर्फ चिंगा रही है, अभी लॉ नहीं है। अगर मौजूद है लखनऊ के टीले वाले मस्जिद पे, जहाँ पहले भी आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे लाखों की संख्या में औरतें खवातीन मौजूद हैं जो तीन तलाक बिल वापस लेने के लिए यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं। आइए यहाँ पे कुछ लोगों से हम बात करते हैं इसी बारे में। सर आपका नाम क्या है? मुझे शाह फैसल कहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में जो हमारी माओ बहनों को जमा होने का मौका मिला, ये हुकूमत ने इस तरीके से हमारे मुस्लिम हजरात के सिलसिले में उल्टे सीधे फैसले लेने की कोशिश की, हमारी शरीयत में मुदाखलत करने की कोशिश की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई और सरपरस्ती और रहबरी करती है, आज उसने महसूस किया कि पार्लियामेंट में हमारे खिलाफ फैसले आ रहे हैं, शरीयत का मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूरी मजबूती के साथ आवाज़ उठाई और उसी मसले को लेकर राजस्थान में लाखों का मजमा जमा हुआ। हमारी माएँ बहनें अपने नन्हे बच्चों को दूध पीते बच्चों को छोड़कर बिस्तर पे बेचारी धूप में तपिश में निकल करके मैदान में आई हैं, ये मजबूर किया गया। मैं 26-27 साल की जिंदगी में मैंने देखा कि पहली बार इतना बड़ा मजमा औरतों का जमा हुआ, औरतों को सड़क पर लाने के लिए मजबूर किया गया। ये हुकूमत आखिर किसकी हुकूमत है? हुकूमत हर एक की होती है, सेकुलर मुल्क है, तमाम धर्म के लोग तमाम मजहब के लोग इस मुल्क के अंदर रहते हैं, लिहाजा वही हुकूमत ज्यादा अच्छी मानी जाएगी, पूरे वर्ल्ड में उसी हुकूमत को अच्छा माना जाएगा जो सबके साथ इंसाफ करे, सबके साथ हक को पूरा करे और अन्याय और जुल्म और नाइंसाफी को खत्म किया जाए मुकम्मल तौर पर। इतनी बड़ी तादाद में जो आज हमारी माए बहनों ने दुआएं मांगी हैं, हमें यकीन है कि ये दुआ कबूल होगी और अल्लाह ताला ताकतों से हमें निजात देगा, क्योंकि इन मासूमों की छोटे छोटे बच्चों की दुआएं जरूर लगेगी। ये मुल्क सेकुलर है, ये सेकुलर रहेगा इंशाल्लाह, और सेकुलर ताकतें फिर से इख्तदार में आएंगी। अगर इस तरीके की घटिया हरकत की कोशिश की गई तो यकीनन ये तमाम कोशिशें नाकाम होगी। कभी कुछ फैसले हमारे खिलाफ आते हैं, कभी कोई मरहला तैयार किया जाता है। आज हमारे घर की औरतों को मजबूर कर दिया गया कि वो तलाक के मसले पर वो आपके साथ नहीं है, हुकूमत के साथ नहीं है और पार्टी के साथ नहीं है, बल्कि वो शरीयत के साथ है, वो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साथ है, वो हमारे जमीयत उलमाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और उससे उसकी ज़ेली तमाम तंजीमें
متحرک ہیں، فعال ہیں، وہ اپنی قوم کی رہبری اور سرپرستی ہمیشہ کرتی رہی ہیں۔ ایسے حالت میں ہمیں وہ پارٹی، وہ ہماری بڑی تنظیمیں چھوڑیں گی نہیں۔ ہم ان پارٹی، ان تنظیموں کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں بیدار کیا اور ہماری ماؤں بہنوں کو آج یہاں پہ لا کر کے ان کے اندر ایک جوش پیدا کیا۔ اور ان عورتوں نے، وہ عورتیں جو آئی تھیں وہ مجبور ہو کر نہیں آئی تھیں، بلکہ انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے دین پر حملہ ہو رہا ہے، ہماری شریعت پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، ہماری شریعت پہ حملے کیے جا رہے ہیں، ہمارے خلاف فیصلہ لائے جا رہے ہیں، پارلیمنٹ میں لایا گیا ہے، پارلیمنٹ میں پاس کرنے کے بعد راجیہ سبھا میں لانے کی کوشش کی گئی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے تمام سینئر ممبران نے غلام نبی آزاد سے اور تمام بڑے بڑے تمام پارٹیوں کے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں اور کہا کہ یہ ہمارے خلاف جو فیصلہ آ رہا ہے اس کو ہماری عورتیں نہیں مانیں گی، اگر عورتیں مانتی ہیں تو ہم قبول کریں گے، لیکن تمام عورتیں اپنے اپنے جھونپڑیوں سے، اپنے اپنے مکانوں سے، بلڈنگوں سے نکل کر کے میدان میں آ گئی ہیں، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹی کو، اپنی ماؤں کو لے کر کے۔ کچھ ایسی بھی عورتیں آئی ہیں جنہیں ایمبولینس سے لے کر کے جانا پڑا، ان کی حالت یہ نہیں تھی کہ وہ اس میدان میں آ سکے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام پہ آج آ جا رہی ہے، اسلام کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام پہ حملے ہو رہے ہیں، تو وہ اپنے گھر پہ خاموش نہیں بیٹھ پائیں، نکل کر آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی تمام عورتوں کو قوت دے اور ہمت دے، استقامت دے۔ جب بھی ہمارے اکابر علماء، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ یا جمعیت علماء ہند کی طرف سے آواز دی جائے گی، تو انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اس سے بڑی تعداد میں نکلتے ہیں، نکلتے ہیں۔ یہ تمام تر عورتیں جو ہیں وہ کہاں کہاں سے آئیں، یہ پوری ڈیٹیل آپ کو مولانا اسلم صاحب بتائیں گے، لیکن جہاں تک میرا نظریہ ہے کہ یہ صرف لکھنؤ کی عورتوں کی بھیڑ تھی، اگر ہم پورے صوبے سے عورتوں کو بلاتے تو شاید یہ پورا لکھنؤ کی سڑکیں جو ہیں وہ پٹ جاتی ہیں، برقعے والی عورتوں سے، مسلم عورتوں سے پٹ جاتی۔ تو بہت سہم کر کے ہم نے لوگوں کو روکا ہے، منع کیا ہے کہ بھائی آپ آس پاس کے لوگ آ جائیں، لیکن اگر زیادہ بھیڑ ہوگی تو ہم کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ جیسا کہ ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ٹی وی پہ کچھ برقعے والی عورتیں آ رہی ہیں اور بول رہی ہیں کہ تین طلاق بل لایا جائے، ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس طریقے کی جو عورتیں آ رہی ہیں تو ان سے حقیقت میں پوچھا جائے کہ وہ کیا نام ہے ان کا، وہ کہاں گھر ان کا ہے، اور کس کے اشارے پر ان کو میدان میں آنا پڑا ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ جو ایک اللہ اور ایک رسول کو ماننے والی عورت ہے، جو ایمان پر اور اللہ پر بھروسہ کرتی ہے، انشاءاللہ وہ ایسی گھٹیا حرکت اور ایسی نیچ حرکت نہیں کر سکتی۔ کبھی کبھی لوگوں کو خریدا بھی جاتا ہے، پیسوں پہ خرید کر کے ان کو پیش کیا جاتا ہے میڈیا کے سامنے، پرنٹ میڈیا کے سامنے۔ وہ ہماری اسلام کے تشخص کو برباد کرنے کی ایک ناپاک کوشش ہے، جو انشاءاللہ کبھی بھی نہ کامیاب ہوئی تھی نہ آئندہ کامیاب ہوئی۔ مسلم پرسنل بورڈ کی جانب سے شہر لکھنؤ کی تمام عورتیں الحمدللہ آئی، اور لاکھوں نہیں بلکہ کئی لاکھ کا مجمع رہا، مجھے یقین ہے، اور اس سے انشاءاللہ ایک بڑا دینی اور ایمانی ایک جذبہ سامنے آیا کہ عورتیں نکل کے آئی اپنے گھروں کو، گھروں کے کام کو آگے پیچھے کر کے اس پروگرام میں شامل ہوئی۔ اور اس کے علاوہ بھی شہر لکھنؤ اور لکھنؤ کے قریب قریب کے تو بہت ساری جگہ مجھے پتہ نہیں ہے کہاں کہاں سے آئی، لیکن مجھے اتنا یقین ہے شہر لکھنؤ سے تمام گھر سے تمام عورتیں آئی ہیں، مجھے اس پہ یقین ہے۔ اور یہ مسلم پرسنل کی ایک آواز تھی، اسی طریقے سے جمعیت علماء ہند کا اگر آواز ہم عورتوں کے اندر لگائی جائے گی یا آواز دی جائے گی تو ایسے اکٹھا عورتیں ہو جائیں گی، اور یہاں تک کہ اور بھی عورتیں اگر آئیں گی اور آتی ہیں تو میرے خیال سے شہر لکھنؤ کے علاوہ بھی عورتیں آتی تو یہ اس شہر لکھنؤ کے اندر جگہ نہیں ملتی، اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ وہ عورتیں کھڑی ہو پاتی، اتنی بھی جگہ نہیں ہوتی۔ آج جو اس حکومت کی، ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کو کتنا امید ہے کہ اس احتجاج سے کوئی فائدہ آپ کو ہوگا؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے، اور اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ جس طریقے سے یہ آواز لگی ہے، جب یہ آواز آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی جانب سے آواز لگی ہے، یہ آواز انشاءاللہ حکومت تک جائے گی، اور حکومت تک جانے کے بعد ہمیں، بہرحال جو کچھ بھی یہ مہیلائیں کہہ رہی ہیں یا جو لوگ یہاں پہ کہہ رہے ہیں، جو جن لوگوں کی باتیں آپ نے سنی، ان کا سب کا ایک سر میں کہنا ہے، یہ آواز بلند کی جا رہی ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے۔ یہ جلسہ کیا گیا جس میں ہزاروں کی تعداد میں مہیلائیں اور پروش اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے سب ایک سر میں یہ آواز بلند کیا کہ کسی بھی حالت میں کیندر کی سرکار جو قانون بنانے جا رہی ہے تین طلاق کے خلاف، یہ ہمیں منظور نہیں ہے، اور تین طلاق کے سمرتھن میں، تین طلاق کے سپورٹ میں جو کچھ اسلامک شریعت کے انوسار تین طلاق کے لیے قاعدے قانون بنائے گئے ہیں ان میں یہ یقین کرتے ہیں، اور ان کو ان کی حال پہ چھوڑ دیا جائے، ایسا ان کا کہنا ہے، ایسا ان کا ماننا ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ کیندر کی سرکار یہ بل لا کر کے ایک بہت بڑا جو ہے جرم ڈھانے جا رہی ہے۔ جی ہاں، اس طرح کے الفاظ کے بھی پریوگ کیے گئے۔
बहरहाल सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया कि भाई तीन तलाक के खिलाफ केंद्र सरकार कानून बनाए, बिल लाए और उसको लाकर के जो है उस बिल को पास कराने की कोशिश करे। केंद्र सरकार इस प्रयास में लगी हुई, केंद्र की सरकार ने भी जो है इसको अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि बताई कि तीन तलाक के खिलाफ जब उनकी जीत हुई तो इसे जो है बड़ी उपलब्धि बताई गई और मुस्लिम महिलाओं के फेवर में कहा गया कि ये मुस्लिम महिलाओं के भलाई की बात है, मुस्लिम महिलाओं के लिए उनके कल्याण की बात है। लेकिन जो कुछ यहाँ देखने को मिला मुस्लिम लॉ प्रश्न बोर्ड की तरफ से जो की जाने से ये जो जलसा किया गया तो यहाँ बड़ी साफ शब्दों में जो है लोगों ने इसका विरोध किया, कहा कि बिल्कुल ही इस्लामिक शरीयत में किसी भी तरह के इंटरफेरेंस की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, जो कुछ हुआ हमने आपको दिखलाया। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हुंकार 24/7 की एक एक रिपोर्ट, क्योंकि लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ जो पूर्वांचल के ब्यूरो चीफ हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ दानिश सिद्दीकी और उनके सहयोगी खुर्शीद आलम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। आप भी बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।